महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है एक पॉलिटिशियन ने। उन्होंने अपने ट्विटर एंड से ये सवाल किया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक फिल्म पर्सनालिटी है, लाखों में लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी मिस्टीरियस या अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है, इतने लोग शक जता रहे हैं। ऐसे में इतने दिन बीत जाने के बावजूद मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, किस बात का डर है मुंबई पुलिस को, किसको बचाने के लिए इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और क्यों मुंबई पुलिस इस तरह के स्टेटमेंट देने लगी थी कि हमें इस केस में कोई भी फाउल प्ले नजर नहीं आया है, हम जल्द ही इस केस को क्लोज करेंगे। वो तो बिहार में एक एफआईआर हुई और उसके बाद मामला पूरा पलट गया और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, वरना तो मुंबई पुलिस इस मामले को क्लोज ही कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन का मरीज बताकर और उनकी डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर। अब राम कदम ने इस एफआईआर को लेकर सवाल उठाया है, उन्होंने ट्वीट किया है, सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए आज 2 महीने हो गए और मुंबई पुलिस ने 2 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की, सरकार किसकी राह देख रही थी, सबूत मिट जाने की या फिर सबूत मिटाने की। बहुत बड़ी बात राम कदम ने अपने इस ट्वीट में कही है। मतलब आपको बता दें कि ऐसी भी खबरें आई थी कि जो एविडेंसेस हैं उनके साथ टेम्परिंग हुई है, जो गवाह है वो पलट रहे हैं, स्पेशली सिद्धार्थ पिटानी जो है वो पहले सुशांत की फैमिली से कॉन्टेक्ट में थे, लेकिन जैसे ही एफआईआर हुई वैसे ही वो सारी खबरें रिया चक्रवर्ती को देने लगे, सुशांत सिंह राजपूत के गैजेट्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनको कब्जे में लिया गया या नहीं लिया गया, उनके घर से, उनके रूम से फिंगरप्रिंट्स लिए गए या नहीं, ये बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब अभी तक लोगों को क्लियर नहीं मिला है। ऐसे में जब इस मामले में सीबीआई की डिमांड की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी दी जाती है, तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हम इस केस को सॉल्व करने में सक्षम है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। कैसे, जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, जब इतने सारे लूप होल्स सामने आ गए, तो फिर कैसे इस तरह के दावे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कर रही है।